हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो बात कुछ ऐसी कि आज है 11 तारीख यानी कि रक्षाबंधन, और अभी सीन ये है कि 8:30 बज चुके हैं और 9 बजे से आज मेरा GD और PI राउंड है MBA के लिए जामिया मर्द में। तो 8:30 यहीं बज चुके हैं और अभी रक्षाबंधन भी आज, तो पहले टीका वीका करवाएंगे फिर जाऊँगा। बस मसला ये है कि कहीं लेट वेट ना हो जाऊँ, पर कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। भाई थाली आ चुकी है, चल भी राखी बांध मेरे तू मेरी बहन, मैं तेरी बहन, पैसे भी रखे भाई ये पिछली बार गई जो दिए नहीं थे। ऑल सेट यो ये बत्ती वो खराब है, घी खराब नहीं है। अच्छा वो बत्ती हल्की है, चले जल्दी है वो सारी, जल्दी कर दे इसमें, कर दे फटाफट। इतने साल हो गए आपको मानते हुए, बहुत बड़ा पीस तो सही है, सही है। दूर में मिठाई करता ना, बस मिठाई में मतलब है और किसी चीज़ का एक लगानी छोले भाई, शरम वरम नहीं है क्या तुम्हें? ओहो कहने से पैर छुए, जब मैं तुम्हें बोला तब पैर छुए, पर मैं ये पता ही नहीं पैर छुए होते हैं। लग गया ठीक है, देखो बस राखी बन खाना पीना में मैं आगा खा लूंगा। अरे जल्दी आ जाऊंगा, अरे हमें 9 तो यहीं बज गए मेरे भाई, 9 बज चुके हैं यहीं पे, और ये मेरा जूता। हेलो हेलो ऊपर से मैंने एक शर्ट पहन ली ताकि टैनिंग वैनिंग ना हो। यार बाइक की चाबी कहाँ है? शू तो भाई इनका हो चुका है, मिराज भाई का हो चुका है, इनकी स्माइल देख लो, स्माइल बता रही है बस भाई हमारा GDPI हो चुका है, भाई का भी हो गया, ताबड़ तोड़ इंग्लिश बोली है शोएब भाई ने भाई नहीं क्या बात करते हैं आप, डीन भी कह रहे वाह कुछ इंग्लिश तो है और हमारे मिराज भाई 3 साल तो मिला नहीं कॉलेज में जाने के लिए, तूने सोचा 2 साल और सही तू क्या जरा तू भी यहीं आ रहा है, तू ही तो नहीं आया, तू खाम खा के तूने अपना टाइम वेस्ट करा है। टाइम वेस्ट नहीं करा भाई, मुझे ये पता लग गया कि तरुण को कितनी इंग्लिश आती है। आती ही नहीं है। अबे कुछ तो आती है भाई, मैं काला काला क्यों आ रहा हूँ? अच्छा यहाँ से ऐसा, यू आर सो ब्लैक। देखो भाई यहाँ पे घास कितनी बड़ी हो गई है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ले लेना तो यहाँ की फीस कर सकता है ये जुगाड़। हाँ तुझे स्कॉलरशिप यहीं से मिल जाएगा। स्कॉलरशिप एडमिशन नहीं दे रहे ये, अबे तुझे दे देंगे क्योंकि तूने इनसे 1000 रुपये लिया लिया था तूने, 1000 रुपये भाई देख लो फॉर्मल में। थैंक यू।
Yes. अबे हाँ, एक चीज और बतानी थी भाई, मेरा YouTube चैनल है, मैं वीडियो बनाता हूँ। हाँ। लड़की ऐसे पूछ रही है कि मैंने आपको YouTube पे देखा है। तो भाई अब पूछ रहे हैं तो बताऊंगा नहीं कि वो तरुण का व्लॉग है। तरुण का तो नाम नहीं लिया होगा तूने, मम्मी कसम भाई। नहीं, नहीं, नहीं लिया। इससे लड़कियां पूछ रही है कि भाई तुम्हें मैंने तुम्हें व्लॉग में देखा है, और जिसका चैनल है, जिसका चैनल है, जो एडिटिंग करता है, जो कॉन्टेंट बनाता है, उसे कोई। अब देखो यार, मुझे उन्होंने व्लॉग में देखा, अब जब देखा तो उन्होंने कहा कि तुम यूट्यूब पे हो। मैंने कहा मैं तो नहीं, पर मेरे तरुण दोस्त का व्लॉग का चैनल है, उसमें देखा होगा। नहीं नहीं, मेरा भाई तो पूछ ले। नहीं नहीं, झूठ नहीं बोलना इस बात में। नहीं नहीं नहीं, नहीं बोला था, दोस्त का चैनल है। नहीं बोला था ना, दोस्त का चैनल। मैंने बोला था ना, दोस्त का चैनल है। हां, दोस्त का चैनल। यस, तूने नंबर तो दिया मेरा भाई। नंबर मांगते तो मैं बिल्कुल दे देता तेरा, मुझे क्या दिक्कत आती है नंबर देने में। विराज भाई होते, नंबर आईडी ले लो, मिल जाएगा सब। और दूसरी बात, फिर मैंने कहा तरुण भाई से मिलवा देंगे, ठीक है। पर तरुण भाई का इतना लेट डिस्कशन हुआ, सब लोग जा चुके थे, तो बस इतना लेट था। राखी आखी और चक्कर में ले। पर भाई अच्छा लगा तरुण, जब मतलब किसी ने कहा कि आप यूट्यूब पर हो, मैंने कहा हम तो नहीं, हमारे दोस्त हैं। ये मुझे अच्छा लगा कि हाँ भाई, तरुण को किसी ने फॉलो करा है भाई। कोई, कोई पर पता है, वो उनका कहना था ये कि जामिया हमदर्द के रिव्यू देख रहे थे तो तरुण का ब्लॉग का सबसे ऊपर आया नाम। मैं मुझसे कहा तरुण नाम है, मैंने कहा तरुण नहीं है, मेरा नाम तो शुएब है, तरुण मेरे दोस्त का नाम है। फुल एक्सप्लेनेशन ये थी, ठीक है। हाँ चलो भाई, कोई चलो, चलो मजा आया फिर भी, कोई तो देख रहा है कोई आज के में। आज भाई जा रहे हैं मैं छोड़ के, ठीक है भाई, ओके ब्रो, हम मिलेंगे, पता नहीं कब मिलेंगे। ये तो मिल जाएगा, तो भाई ये तो मिल जाएगा, हमारी पता नहीं भाई मिलेगा, हम दोनों मिल जाएंगे, ये मिल जाए। बाय ब्रो। शेब भाई की तरफ से सैंडविच, पहली बार। और आई मिस यू सदाब एंड रयान। अच्छा, सॉरी, वी मिस यू। बस यही यही तो तुम फेल हो गए, तभी तो तुम्हें सेलेक्ट नहीं हो रहे। मैंने अपने लिए मिस कहा था, मैं कहता था तेरे को भी मिस ही कर देते। और दो बोतल है भाई ठर्रे की। क्या करा, सीट बेल्ट लगा लो। सीट बेल्ट, अब तो मिलेंगे नहीं भाई हम। चलो चलो भाई, देखते हैं कभी जिंदगी में। बाय बाय, टेक केयर, आराम से, बाय। तो भाई शुएब चल दिया है अपने घर और मैं भी चलता हूँ अपने घर, और बारिश हल्की हल्की आने लग गई है। तो अभी मैं आ चुका हूँ घर पे और टाइम हो रहा है 5 बज चुके हैं, और GD भी हो चुका, पर्सनल इंटरव्यू था वो भी हो चुका, और अब देखते हैं लिस्ट आएगी कुछ एक हफ्ते में, साथ साथ आती है लिस्ट आएगी, उसमें नाम अगर आएगा तो मैं बता दूंगा, नहीं आया तो ही बता दूंगा। आ जाना चाहिए वैसे तो। और आज के इस व्लॉग को मैं ये एंड कर रही हूँ, होप आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि अब मुझे पता है इससे ज़्यादा कुछ और होगा नहीं दिखाने लायक। अब क्या करूँगा, मैं खाऊँगा, गेम खेलूँगा और सो जाऊँगा, बस इतना ही है। और वहाँ पर ना पर्सनल इंटरव्यू में मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तुम्हें MBA क्यों करनी है, मतलब। तो अब वही क्वेश्चन मेरा मतलब खुद से है कि MBA मुझे क्यों करनी है, इसी बात का जवाब नहीं मिल पा रहा, इसलिए मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि MBA करूँ ना करूँ, जब मुझे करना है यूट्यूब है तो मैं MBA करके क्या ही करूँगा। मतलब 5-6 लाख में MBA होगी, 1 लाख का ड्रोन आ जाएगा, 1 लाख का कैमरा, मतलब बहुत सारी एक्सेसरीज आ जाएंगी, तो वही सारी चीज़ें। पर कोई नहीं, कर लूँगा मैं, देखेंगे। और हमारा जो फ्रिज है वो अब भरा पड़ा है मिठाइयों से, तो 3-4 दिन खाएंगे मिठाई दब शुगर कर देंगे पूरा। तो आज के इस ब्लॉग को मैं एंड कर रहे हैं, होप आपको अच्छा लगा होगा, जैसे भी लगता है कमेंट करके बता सकते हो, और हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। बाय। और ये मेरे छोटे छोटे बाल हैं, अब पता नहीं कब तक बड़े होंगे ये।